चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार अबर नहीं रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। मामा जी कुछ खाया पिया कि नहीं? यूं ही भूखे पेट पूजा पाठ कर रहे हैं आप? अरे वो मालूम नहीं तुमको, वो पुलिया पे पंडित जी है ना, उनके यहाँ शुद्ध सात्विक भोजन मिलता है, हम खा पी के सब बैठे। वैसे आज भोजन तो सोनिया ने भी बहुत स्वादिष्ट बनाया था घर में। पता चला? चलो अच्छा है, सागर की दुल्हन ने तुम सबको खुश तो किया। हाँ मामा जी, लेकिन उम्मीद नहीं थी उससे कि ऐसा कुछ वो कभी करेगी। लेकिन मामा जी हमारी ये खुशी अधूरी रह गई क्योंकि आप इसमें शामिल नहीं थे। देखो बेटा, जिन्हें मैं अपना नहीं मानता ना, मैं उनकी खुशी में शामिल नहीं होता। क्या मतलब? अब सागर की दुल्हन तुम्हारी भाभी है, तुम ननद लगती हो उसकी, तुम्हारा नजदीकी रिश्ता है भाई, तुम लोग अपना रिश्ता निभाओ। मामा जी कैसी बात कर रहे हैं, तो फिर आप क्या हैं? क्या रिश्ता है मेरा हा? मम्मिया ससुर, इस रिश्ते की कोई वक्त नहीं होती। मामा जी बात क्या है मुझे सच सच बताइए। और क्या बात हो सकती? मामा जी मैं जानती हूँ कि कुछ और बात है, बोलिए क्या बात है। नहीं कुछ नहीं छिपा, बस मेरे दिल में इतनी आसानी से कोई जगह नहीं पा सकता। मामा जी सोनिया और सागर आपके बच्चे हैं। सोनिया और उसके घर वाले मेरी नजर से गिर गए, जो एक बार मेरी नजर से गिर जाता है ना वो फिर उठ नहीं पाता, चाहे वो लाख सिर पटक के। मामा जी मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप इतने पत्थर दिल नहीं, सच सच बताइए बात क्या है, क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? बेटा तुम्हें नहीं लगता कि ये सब जो चल रहा है ये सब सिर्फ ड्रामेबाजी? लगता तो मुझे भी लगता है कि ये लोग अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पका तो रहे हैं। ये सब के सब ना ऊपर से मीठे बनने की कोशिश कर रहे हैं और भीतर ही भीतर कोई नया तूफान खड़ा करने की कोशिश में लगे हैं। खड़ा करने दीजिए, लेकिन अब मैंने भी ठान लिया। क्या? यही कि कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना, अब किसी भी तूफान में इतनी ताकत नहीं कि इस घर के चिराग को बुझा सके। स्टैटिस्टिक्स उसे तो ये लो, आजकल तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। ये क्या? दूध है, माँ कहती है सोने से पहले अगर एक ग्लास पी लो ना तो नींद बहुत अच्छी आती है। मैं दूध नहीं पीता। आज पी लो ना। लो, वैसे गलती मेरी ही है, मैंने ही तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, लेकिन सागर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। मैं अपनी पत्नी होने का फर्ज पूरा निभाऊंगी, आज से तुम्हारे खाने पीने का ख्याल रखना मेरा काम है। अरे ऐसा क्या हो गया? मैं भटक गई थी, लेकिन अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं तुम्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी सागर, इसलिए आज से तुम जो भी कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। सोनिया तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मुझे कितनी खुशी मिल रही है। हाँ सागर, हमारी खुशियों में अब कोई कमी नहीं आएगी, अब जितनी भी परेशानियां आएगी हम उसका मिलजुल कर सामना करेंगे। मैं तो डर ही गया था। किस बात से? कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। इस तानातानी में बस यही लग रहा था कि कहीं हमारा रिश्ता ना टूट जाए। नहीं सागर, मैं समझ गई हूं कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद प्यार और विश्वास होता है, और पति पत्नी के बीच में तो शक जैसी कोई चीज आनी ही नहीं चाहिए। सोनिया तुम्हें शायद पता नहीं है मगर आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरा मन बहुत हल्का हो गया, और अब तो बस मैं यही चाहूंगा कि
कि हर जन्म में तुम मेरी पत्नी और मैं तुम्हारा पति कहलाऊं। और मैं तुम्हारे लिए यूं ही दूध लाती रहूं और तुम इसी तरह से खुश रहो। एक बात बताऊं सागर। क्या? आज ये प्यार और अपना फर्ज पूरा करके पहली बार ऐसा लगा कि मैं किसी की पत्नी हूं और किसी की वजह से मेरा वजूद है। नहीं तो पहले मैं सबसे अलग थलग महसूस करती थी, यहां तक कि तुमसे भी सागर। चलो सोनिया, अब भूल जाओ उन पुरानी बातों को, ऐसे नई शुरुआत करते हैं। और वैसे भी तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी। थैंक्स सोनिया। शशि, ये सब बातें अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हें सोनिया पर नजर रखनी होगी। वो तो मैं रखूंगी, बहुत जरूरी है। लेकिन वैसे भी गांव वालों के लिए ये घर उनकी आंखों में किरकिरी बना हुआ है, और अगर बरसी के दिन कोई तमाशा हुआ ना तो फिर इन लोगों को इस घर पर उंगलियां उठाने का मौका मिल जाएगा, तमाशा बन जाएगा। और नंदिनी के लिए फिर से एक नई प्रॉब्लम। अरे नंदिनी को इसी मुसीबत से बचाने के लिए तो हम यहाँ रुके हैं। शशि, पर मैं सोच रहा था कि क्या कि मैं कल सुबह चला जाऊं। क्यों? अभी तो आप वो इसलिए क्योंकि मैं अभी मेल चेक कर रहा था। मार्केट से कुछ शिकायत आई है। किस बात की शिकायत? प्रोडक्ट की डिलीवरी को लेकर हो सकता है कुछ नुकसान हो। इससे बेटर ये होगा कि मैं पहले ही वहां पहुंच जाऊं। अरे लेकिन आप बरसी तक तो रुक जाइए, उसके बाद चले जाना। अगर उसके बाद भी तुमने रुका तो? बरसी के बाद का मुझे नहीं पता, लेकिन उससे पहले कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है, मुझे इसका अंदेशा हो रहा है। शशि, तुम भी ना पता नहीं क्या क्या ख्याली पुलाव पकाती रहती है। ये ख्याली पुलाव नहीं है, ये मेरे मन का डर है। मन का डर? शशि, जरूरी नहीं कि ये सच्ची हो। ये सिर्फ मेरा ही डर नहीं है, नंदिनी भी घबराई हुई है, और ऐसे में मामा जी और नंदिनी को अकेला नहीं छोड़ सकते ना। हाँ हाँ, आप तो सूरमा है मैडम, सारी प्रॉब्लम्स आप अकेले हल कर सकती। आज तुम्हारी बात सुन के हमें फिर से ताकत आ गई। अब अपनी इस ताकत को ना यूं ही बनाए रखो। अब हमको देखना है कि ये मक्कार लोग आखिर आगे करते क्या है। इनके इस ड्रामे का ना हमको भंडाफोड़ करना है। अरे मामा जी, इनके ड्रामे को यूं ही चलने दीजिए। अरे ऐसे कैसे चलने देंगे? अरे इनके ड्रामे में अगर फंस गए तो हमारा जरूरी काम यूं का यूं रह जाएगा। कौन सा जरूरी काम? मामा जी आप भूल रहे हैं क्या? क्या? उफो, अरे कुछ दिन बाद माँ की बरसी आने वाली है। अरे हाँ, मेरी बहन को गुजरे जमाना बीत गया। मामा जी क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही बहन की याद आ गई। और देखो मुझ जैसा भाई अपनी बहन की बरसी ही भूल गया। मामा जी प्लीज, अब आप इतना भावुक मत हुई। अरे सारे काम हमें करने हैं, अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? हाँ तुम ठीक कह रही हो, ऐसे में तो काम होना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपसे उस जरूरी काम के बारे में बात करने आई थी और इन सारी बातों में वक्त बीत गया। लेकिन बेटा चिंता मत करो, अब बताओ कैसे क्या करना है। मेरा काम भैया करते आए। आप एक काम कीजिए, आप पंडित जी के पास जाइए और उनसे पूछ लीजिए क्या करना है। ऐसा करते हैं कि तुम भी चलो साथ में, तो हम बैठ के बात कर। नहीं मामा जी, मैं नहीं आ सकती। आप जाइए और पंडित जी से बात कर लीजिएगा और उनसे पूछ लीजिएगा कि किन किन चीजों की जरूरत होगी। और हाँ मामा जी, मोटा मोटी खर्चा कितना होगा वो भी पूछ लीजिएगा। बेटा मैं ऐसा करता हूँ ना कि
पंडित जी को बुला के यहीं ले आता हूँ, यहीं बैठ के सारी चर्चा कर लेंगे। लेकिन बेटा मुझे एक बात की शंका है। क्या? कहीं ये लोग बरसी पे कोई बवाल ना खड़ा कर दे। अब चिंता मत कीजिए, मैंने सागर से बात कर ली है और प्रीतम जी और शशि भाभी को भी यहीं रोक लिया है। ये तुमने अच्छा किया, उन लोगों से थोड़ी मदद हो जाएगी। बाकी तुम किसी बात की चिंता मत करो बेटा, रात वैसे भी हो गई है, तुम जाके सो जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। जी। पीहर, पीहर, पीहर। रात बहुत गहरा आ गई है, लगा था घर के सब लोग सोए गए हैं। कहे कि बिजली बल्ब भी सब बंद है, यही सही मौका है अपनी बिटिया से बात करके जानने का कि आखिर ओकरे मन में असली कहानी का चल रही, वो करना का चाहती है। ये बात हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो बिटिया अकेले बैठ के खिचड़ी पकावे और कहीं होकर खिचड़ी जल ना जाए। कब तक बाहर आएगी हमारी बिटिया सोनिया, तब तक तो कर इंतजार ही करे पड़ेगी। कहाँ है सोनिया, कब आएगी, कब आएगी? पापा, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या हुआ, सोए नहीं? बिटिया तुमने तो इंतजार करत रहे हम। क्यों, इतनी रात को ऐसा क्या काम है? बिटिया तुम पूरी बात बतायो ने। कौन सी बात पूछ रहे हो आप? यही जो तुम इतनी सती सावित्री आज्ञाकारी बहुवन्य का नाटक कर रही हो, इसका भेद हमरे समझ में नहीं आवा। पापा इसमें भेद जाने की कोई बात नहीं है, बस आप चुपचाप रहिए और देखिए कि आगे आगे होता है क्या। अरे बिटिया पर हमसे सब्र नहीं हो रहा है। सब्र तो आपको करना ही होगा। अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे, पर वह तो राज खोलो बिटिया। अरे हमसे ना सही, कम से कम अपने अपने मातारिये से बता दिए होते हो। पापा मैं आपको भी बताऊंगी, लेकिन ये सही बात नहीं है। देखो बिटिया, राज की बात जाने के सही समय जो होता है ना, रात में ही होता है। दिन में तो सब गिद्ध की तरह अपन दृष्टि गढ़ाए रहा थी, टुकुर टुकुर ताकत रहा थे कि हम लोग का बतिया रहे हैं, कितना बतिया रहे हैं। ये बिटिया आज जब मौका निकाल कर आयन गए हैं ना, तो बताए दो कहे कि अब आगे मौका मिले कि ना मिले। मैं अभी आपको सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि आप लोग ऐसे रहिए जैसे कि आप लोग बिल्कुल बदल गए हैं। बदलने से तुम्हारा क्या मतलब है? जैसे जैसे कि मैं बदल गई हूँ, बिल्कुल गाय की तरह, बिल्कुल आप लोगों को वैसे ही बदलना है। ऐसा लगे सब लोगों को कि हमारे मन में कुछ भी नहीं है, कोई चाल नहीं चल रहे हैं। सबकी इज्जत कीजिए और किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। फिर क्या, हम सबके दिल में जगह बना लेंगे, फिर उनका दिल जीत कर हम ऐसा काव देंगे कि उन्हें हमेशा याद रहे। बिटिया अब लगे हाथ यह बताते हो कि तुमको इन लोगों से पैसा वापस भी लेना कि जिंदगी यही गुजारे बिचारे। नहीं पापा, मौका मिलते ही पैसा मांग लूंगी, और अगर नहीं मानेंगे ना तो जेल की हवा खिलेंगे इनको। गजब हो गजब। बिटिया तुम अपन ही नाटक चालू रखो, किसी को जो है ना तुम्हारे ऊपर एकदम शक नहीं होना चाहिए।
अरे कहो समझन, राम राम। ठीक है ठीक है। हैं? अरे राम राम के बदले राम राम बोला जाता है, ठीक है नहीं? अच्छा बाबा राम राम। ये हुई ना बात। राम राम समझन। अरे आज तो तुम्हारा सुबह सुबह दर्शन हुई गवा, लगता है आज का दिन बड़ा नीक बीतने वाला है। हा? हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमारा चेहरा देखने से ना पूरा दिन बुरा बीता था। अरे तुम ये अपने से कैसे कह सकती हो? ये लिए कि हम जो है ना अब सगुनी है, अब सगुनी। अरे ऐसा काहे बोल रही हो? हा? अपने इस सुंदर मुखार दिन से ऐसा बोलना ठीक नहीं लगता, लेकिन हम समझ रहे हैं काहे ऐसा बोल रही हो। काहे का समझ रहे हैं आप? अरे यही कि तुम्हारे और मुच्छर के बीच में अभी सुलह नहीं हुई है। हाँ, उनको लेके खुन्नस बाकी है ना? हाँ है तो आप आपसे कोई मतलब है का? आप कहे दाल भात के बीच में मुसलचन बन रहे हैं? अरे हम कहाँ मुसलचन बन रहे हैं? तो फिर काहे खोद खोद के पूछ रहे हैं? ये जासूसी करने से ना कोनो किला फतेह नहीं कर लेंगे आप? अरे हमको कहाँ जरूरत है, हम तो वैसे ही बुढ़ाए गए हैं, अब कौन सा किला पता करेंगे भाई। हम तो बस समझाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए समधी जी, एगो बिनती है आपसे, आप जो है ना आप हमसे ज्यादा हंसी खिटोली मत किया करिए, काहे कि हमारे मलिकार को पसंद नहीं है। अब आपके मलिकार को पसंद नहीं है तो ठीक है भाई, आपको उनकी चिंता है तो कम से कम उनसे ही प्रेम से बतिया लिया करो। देखिए हमारे और हमारे मलिकार के बीच का मसला है, आप काहे के लिए बेचैन हो रहे हैं? हाँ ये तो है, ये सब तुम सब आपस में निपटा लो, प्रेम व्यवहार से रहो, नहीं तो जिंदगी अकेली हो जाती है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी साथी की आपको बहुत याद आ रही है और आपकी मलिका जो है घर छोड़कर पराए घर चली गई है। अरे ऐसी बात के लिए सच से गुजरने की जरूरत नहीं है, बस एक दूसरे के लिए दिल में जगह होनी चाहिए, तभी तो ये प्यार मोहब्बत दोस्ती सब होती है, है? लागत है कोनो प्रेम कहानी पढ़ के सोए थे, तभी तो प्रवचन दे रहे हैं आप। अरे देखो तुम अपनी बिटिया से कुछ सीखो। मैं अपनी बिटिया से हम का सीखे? अरे आजकल वो सबसे दोस्ती कर रही है, रिश्ता निभा रही है, और तुम हो कि अपने मनसेदू से नाता तोड़ने में लगी हो। देखो समझे, ये पति नाम के जो प्राणी होते हैं ना, इनकी नकेल कस के रखने की जरूरत है, और तुम दोनों की भलाई इसी में है कि एक दूसरे से नाता जोड़ लो, प्यार मोहब्बत बढ़ा लो।